हाय एवरीवन, सो पाइथन में मैं आज आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पाइथन किस क्यों आप सीखना चाह रहे हो। आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, या किस पर्पज़ के लिए आप पाइथन सीखना चाह रहे हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है गाइस? जब यूज़र कुछ इनपुट देता है, लेट सपोज आपने कुछ इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसको देखता है कि ये जो डेटा यूज़र डाल रहा है किस टाइप का डेटा है। ये न्यूमेरिक डेटा है, ये कैरेक्टर वाला डेटा है, ये पॉइंट वाला डेटा है, या ये लिस्ट वाला डेटा है। किस टाइप का डेटा यूज़र एंटर कर रहा है वो डेटा देखता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी टाइप से देखती है कि यूज़र जो डेटा एंटर कर रहा है किस टाइप का डेटा है, वो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो एक्शन प्लान करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे एक इसमें वैल्यू डाल दी, तो ये वैल्यू क्या है? नंबर है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको एनालाइज करेगी कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है। अब ये देखो, ये चीज़ नंबर भी हो सकती है, ये चीज़ स्ट्रिंग भी हो सकती है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, ये मैंने एक वेरिएबल लिया और ये मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, राइट? अब मैं अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ए प्लस बी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देख रहे हो इसका जो आउटपुट आ रहा है 30 आ रहा है। ये नीचे आप देख रहे हो 30 ये आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा एक टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया टोटल। अब ये मैंने टोटल लिख दिया। यहाँ पे मेरे को इसको दिखाने के लिए, इसको इसके बाद जस्ट बाद में दिखाने के लिए प्लस का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने प्लस का यूज़ किया और इसको दोबारा रन में करता हूँ, तो ये मैंने रन किया, ये इसमें एरर दिखा रहा है। देखो एरर इसमें दिखा रहा है, ये 25 लाइन में ये वाली। अब यहाँ पे मेरी एरर आ गई है। एरर क्यों आ गई? क्योंकि देखो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है इसके साथ में प्लस नहीं होगा, इसलिए ये एरर दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो फिर भी एरर दिखाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, यहाँ पे मैंने इसका मैं इसका जो है इसका जो एडिशन है वो सी में मैं स्टोर कर लेता हूँ, और सी पे अगर मैं यहाँ को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ ये तब भी एरर दिखाएगा। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें एक str फंक्शन होता है पाइथन में, तो मैं ये कर लेता हूँ और इसको अगर रन करता हूँ तो ये चल जाएगा 30 टोटल, इसको ये कोलन 30 इसने प्रिंट कर दिया। अब इस चीज़ का ये जो चीज़ है इसलिए पाइथन ने डिफाइन की हुई है कुछ चीज़ें कि ये जो नंबर्स हैं ये प्लस से प्लस हो जाएंगे आपस में, लेकिन यहाँ पे इसको इसका डेटा टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नंबर है क्योंकि ये सम होके आ रहा है, इसमें दो नंबर जुड़ के आ रहे हैं तो ये नंबर है। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। लेट सपोज ये टोटल है, तो टोटल क्या है? एक स्ट्रिंग है। अब वो जो स्ट्रिंग है ये हमें न्यूमेरिक टाइप, जो डेटा टाइप है न्यूमेरिक, उसको स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट कर लिया, फिर ये कनकैटिनेट हो गया है प्लस साइन से, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे डी इक्वल्स टू ऐसे करके टोटल, मैंने ये ले लिया डी इक्वल्स टू दिस इज टोटल, तो ये क्या है? मेरी स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका, ये इंटीजर डेटा टाइप है। नंबर अभी आप मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सेकंड में कि कैसे कैसे कितने इसके डेटा टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनके टाइप होते हैं और कितने तरीके की उनकी वैल्यूज़ होती हैं आगे आगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये मैंने लिया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया,
और ये आके मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे। अब देखो डी है, डी को मैं अगर ऐसे करता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे डी, डी में क्या है, दिस इज टोटल। अब ये मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ इस टाइप से, तो ये प्रिंट होके आ गया मेरा, दिस इज टोटल 30। ठीक है, ये प्रिंट होकर आ गया। और मैं अगर यहाँ पे स्पेस देता हूँ, वो स्पेस भी प्रिंट होके आ जाएगा इजीली। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैंने ये ऐसे कर लिया, ठीक है, अब मैंने इनका डेटा टाइप चेंज कर दिया, अब ये स्ट्रिंग हो गया दोनों। अब यहाँ पे सी में देखते हैं क्या आएगा, और मैं ये भी हटा देता हूँ, ये इसको मैं बाद में हटाऊंगा। अब ये देखो 10 और 20 कनकेटिनेट होकर आ गया है, ये प्लस होके नहीं आया है, क्योंकि अब इनका डेटा टाइप चेंज हो चुका है, अब ये स्ट्रिंग टाइप के हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे str भी हटा देता हूँ, तो ये कोई एरर नहीं दिखाएगा, प्रॉपरली ये चल जाएगा। अब देखो 14, सॉरी ये 10 20 होके आ गया है इस मैसेज के साथ में। अब मैं आपको बता देता हूँ उसके डेटा टाइप कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, और उनको कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाला जो डेटा टाइप होता है इसमें, वो होता है न्यूमेरिक टाइप, नंबर टाइप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 999, समथिंग, इस टाइप के क्या होते हैं, न्यूमेरिक टाइप होते हैं। तो एक फर्स्ट टाइप न्यूमेरिक टाइप हुआ, जैसे यूज़र से पूछना है कि उसकी एज कितनी है, ठीक है, या उसकी सैलरी कितनी है, या वो कौन से ईयर में पैदा हुआ था, ठीक है, ये न्यूमेरिक टाइप होते हैं, या उसके उसके मार्क कितने परसेंट आए, कितने मार्क्स आए उसके इंग्लिश में, हिंदी में, तो ये क्या नंबर टाइप होते हैं, न्यूमेरिक टाइप इनको हम बोलते हैं। सीक्वेंस टाइप भी होता है इसमें। सीक्वेंस टाइप एक सीक्वेंस रहेगी कि जैसे लेट सपोज आपके मार्क्स हैं, मार्क्स का आपने एक लिस्ट बना ली कि ये मार्क्स हैं इस टाइप से, तो वो सिक्वेंसली लिखा जाएगा उसमें कि सिक्वेंसली है, और एक वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये सारा डिटेल मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि न्यूमेरिक कैसा होता है, सिक्वेंसली कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद मैपिंग टाइप, मैपिंग मैप जैसे हम करते हैं, चीज़ों को नापते हैं, उस टाइप से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं सारा एक एक करके सब खोल लेता हूँ। देखो सिक्वेंसली होता है, सिक्वेंस ये होते हैं इतने टाइप, जैसे न्यूमेरिक देखते हैं पहले, न्यूमेरिक के इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 12, 30, 40, 50, 100, जो उसमें जिसमें पॉइंट नहीं होता है, फ्लोट होता है पॉइंट वाला, लाइक 1.2, 1.1345, या 26.2789, इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो फ्लोट में होते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है एक उसका। ये मैं आपको प्रैक्टिकल दोनों का, तीनों का करके बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है आपस में तीनों का। सीक्वेंस टाइप में देखते हैं लिस्ट, ट्यूपल्स, रेंज, ये भी मैं तीनों का आपको बताऊंगा। मैपिंग टाइप, डिक्शनरी, ये एक तरीके से लिस्ट ही होती है, बाकी इसमें इसमें डिफरेंस होता है काफ़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक सेट टाइप होता है इसमें, सेट भी होता है, फ्रोजन सेट भी होता है इसमें। डेटा टाइप में एक स्ट्रिंग टाइप भी होता है, स्ट्रिंग टाइप मैं आपको बता चुका हूँ अभी कैसे होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ जो कैरेक्टर रहता है वो स्ट्रिंग होता है। लेट सपोज मेरा नाम रविंदर है, तो वो क्या है कि स्ट्रिंग है। आपका नाम राहुल है, तो उसका जो कलेक्शन है वो, सॉरी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है वो पूरा एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। एक बाइनरी टाइप होता है, बाइनरी टाइप के ये तीन टाइप होते हैं, बाइट्स, बी बाइट एरे और मेमोरी व्यू। और बूलियन टाइप भी होता है, बूलियन टाइप का होता है ट्रू और फॉल्स, बूलियन में आपको बताऊंगा कि कैसे होता है ट्रू और फॉल्स। वो एक नॉन टाइप होता है, उसका कोई टाइप नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन सब का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तीन टाइप होते हैं इसका। पहला वाला होता है इंट, दूसरा होता है फ्लोट, ठीक है, कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल में हम लिखते हैं इसको, FLOAT होता है वो, ठीक है।
और ये इंट होता है। तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन टाइप होते हैं इसमें। और सबसे पहले इंटीजर होता है। इंटीजर हम ऐसे लेते हैं जैसे ए इक्वल्स टू 50, ये क्या है, इंटीजर है। और मैंने लिया बी इक्वल्स टू 85, ये क्या है, दोनों मेरा इंटीजर है। और अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने किया ए प्लस बी, और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये 135 इसने आउटपुट में प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये मेरा न्यूमेरिक टाइप हुआ। तो ये मेरा इंटीजर टाइप हुआ। अब जैसे मेरे को मालूम करना है कि ए का टाइप क्या है, या सिस्टम से ही मेरे को पूछना है कि इसका क्या टाइप है, तो मैं इसमें एक फंक्शन होता है टाइप, तो एक टाइप फंक्शन होता है टी बाई पी। मैंने इससे पूछा कि ए का क्या टाइप है, तो ये इसको मैं रन करता हूँ तो इसने बता दिया ये टाइप है, क्लास इंट, इंटीजर टाइप है। तो ये टाइप इसने प्रिंट कर दिया है। अब मेरे को लेना है फ्लोट। फ्लोट क्या है, फ्लोट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्या लेना है, जैसे मैंने लिया सी इक्वल्स टू 85 पॉइंट ए, ठीक है, डी इक्वल्स टू 85.3, दोनों मेरे फ्लोट नंबर है। मैं अगर इसको प्रिंट भी करता हूँ तो देखते हैं सी प्लस डी, तो प्रिंट होके देखते हैं क्या आएगा। प्रिंट होके इसने ये 143 पॉइंट समथिंग करके इसने प्रिंट होके हमें दिखा दिया। अगर मैं इसका टाइप वो पूछता हूँ, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ सो दैट जल्दी काम हो जाए, और मैंने इसमें लिखा डी, डी का टाइप क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो उसने बता दिया कि ये फ्लोट टाइप है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोट टाइप ये बता रहा है। तो इस टाइप से हम ये सब ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे यूज़र इनपुट डालेगा और वो उसमें बताएगा कि यूज़र ने इंटीजर डाला है, या यूज़र ने फ्लोट डाला है, या यूज़र ने कॉम्प्लेक्स डाला है। तो मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा नम इनपुट, और मैंने यहाँ पे लिया एंटर योर नंबर या एंटर योर इनपुट। तो यूज़र इनपुट डालेगा और ये जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा इसका टाइप, किसका, जो यहाँ पे यूज़र इनपुट डालेगा किसका, नम है, वो वैल्यू नम में आ जाएगी। देखो यहाँ पे यूज़र इनपुट डालेगा इस फंक्शन के थ्रू और वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे आके हम पूछेंगे कि इसका टाइप क्या है। अगर आपको ये आप पहली बार इसको देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पाइथन के पूरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट आप जाके देखो, या एक पर्टिकुलर जो वीडियो बना हुआ है वो आप जाके देखो, तभी आपको समझ में आएगा ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बता दूँ, तो उसको लास्ट तक आप देखना, फुल वीडियो आप देखना। ठीक है, ये नंबर यहाँ से वैल्यू उठ के आ गई, वो नंबर में नम में आ गई, नम में यहाँ पे टाइप ओप करके फिर ये पूछते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब देखो ये पूछ रहा है एंटर योर इनपुट। एंटर योर इनपुट में डाल के मैं इसको यहाँ पे नंबर डालूँगा। अभी थोड़ा मैंने स्क्रीन बड़ा किया है तो अभी आपको पूरा ये दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, नंबर यहाँ पे एक इनपुट डाल देता हूँ, मैंने डाला 85, एंटर मैंने प्रेस किया, तो अब उसने बता दिया, देखो str बता रहा है इसको, क्योंकि ये जो है इसको एज ए स्ट्रिंग रीड कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको स्ट्रिंग मान रहा है तो देखो डिफ़ॉल्ट में हम टाइप कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग ही ले रहा है, क्योंकि हम एज ए स्ट्रिंग इसको पहले बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल इनपुट हम दे रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक इनपुट और ले लेता हूँ इससे, हम दो नंबर का इसमें सम करा के देखेंगे। तो
तो ये मैंने लिया num1 और ये मेरा हुआ num2। यहाँ पे यूज़र इनपुट 1 डालेगा और यहाँ पे यूज़र इनपुट 2 डालेगा, ठीक है। अब तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, num1 प्लस num2, अगर मैं ये कर देता हूँ तो एक कनकैटिनेट होके आ जाएगा। एक्चुअली ये आ जाएगा, चलो करके मैं देख लेता हूँ, पहले करके मैं दिखा देता हूँ आपको भी। मैंने इनपुट डाला 2, दूसरा इनपुट डाला 8, तो ये आउटपुट में आ रहा है हमारा 28। ये कनकैटिनेट होके आ रहा है, जुड़ के आ रहा है 2 प्लस 8, ठीक है। लेकिन अब मेरे को इसका सम निकालना है, तो सम के लिए मैं एक इसको कन्वर्जन में कर लूँगा, ठीक है। एक टाइप कास्टिंग होती है, तो मैंने क्या किया है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, जो मेरा इंटीजर टाइप है, ये इंटीजर टाइप मैंने कर लिया। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये मेरा, मैंने डाला 25 और प्लस 25, दो नंबर डाले 25 25, और ये मेरा 50 प्रिंट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा यूज़र से इनपुट लेने का तरीका हुआ, मैंने इसको इनपुट करके इसको प्लस करा दिया है। अब हम चलते हैं ऊपर, इंटीजर मैंने आपको बता दिया है, फ्लोट मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं पहले वाले प्रोग्राम की साइट पे ही चलता हूँ, टाइप ऑफ करके जो हम पूछ रहे थे, तो दोबारा बनाते हैं फिर एक प्रोग्राम, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और नम ही मैं इसको ले लेता हूँ, इनपुट यहाँ से हटा देता हूँ, उसको दोबारा हम पूछेंगे इससे टाइप, इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये इसको हम कमेंट बना देते हैं गाइस, क्योंकि ये बार बार परेशान करेगा, हमें प्रोग्राम रन नहीं करने देगा ये, इसलिए मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। पाइथन में कमेंट ऐसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। इससे क्या होगा, ये कोड रन नहीं होगा, अभी तो ये डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब मैंने डाला 8.2, तो इसको भी ये स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा है, जो भी हम डाल रहे हैं उसको स्ट्रिंग ये बना रहा है। तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको फ्लोट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको इस टाइप से हम कर देंगे, ठीक है। जो वैल्यू डालेगा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये टाइप इसको बता देगा। दोबारा मैं इसको ये करता हूँ, मैंने डाला इसको 8.3, तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू डाली 8.3, टाइप उसने प्रिंट कर दिया, क्या टाइप है इसका, फ्लोट टाइप है, ठीक है। तो फ्लोट टाइप होता है वो पॉइंट वाला हमारा इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप हमारा। एक बार एक चीज़ और होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटीजर है या फ्लोट है कितनी वैल्यू होल्ड करके रख सकता है, कितनी वो मैक्सिमम इनपुट ले सकता है। एक्चुअली ये सिस्टम की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरे को मेरे सिस्टम की चेक करनी है कि ये कितना इनपुट ले सकता है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा, ये होता है, ये इम्पोर्ट आपको करना पड़ेगा, इम्पोर्ट SIS, ये लाइब्रेरी आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे आके कहीं भी आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपको पता चल जाए ये कि क्या कैपेसिटी है आपके इंटीजर की। जैसे मैं रन करता हूँ तो मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, इंटीजर रेंज, ठीक है, इंटीजर रेंज। और एक हम ले लेते हैं फ्लोट की रेंज, फ्लोट की रेंज कितनी है, कितनी वैल्यू ले सकता है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइथन 3 में जो है इसकी रेंज वगैरह वो रिमूव कर दी गई है, अभी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेगा सारा इनपुट। तो ये मैंने फ्लोट लिया, और यहाँ पे जो मेरा
फ्लोट का देखने का है तरीका, वो ये तरीका है। मैक्सिमम और मिनिमम हम दोनों इससे देख सकते हैं क्या इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये कर दिया मैंने, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा नहीं रहा है क्या? आई थिंक कुछ गलत हो गया इसमें, ये दिखा रहा है इंटीजर रेंज एरर, ये दिखा रहा है अभी। ओके, इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, ये इसके साथ में कनकैटिनेट नहीं होगा, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूँ इंटीजर मैनुअली, क्योंकि इसको हमें फिर थोड़ा लंबा काम पड़ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे मैं प्रिंट कर देता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फ्लोट। ठीक है, और ये मैंने कहाँ पे किया, हाँ अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है अभी। अच्छा, ये डिलीट नहीं किया मैंने, इसलिए एरर दिखा रहा है, बाकी वो तो सब चल गया है। तो मैं दोबारा करता हूँ उसको, अभी ये ठीक दिखा रहा है। मैं देखो, इंटीजर की जो वैल्यू है ये है हमारी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, फ्लोट की जो मेरी वैल्यू है मैक्सिमम ये वैल्यू है प्लस में, ये प्लस की वैल्यू है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव में करता हूँ तो यहाँ पे मिनिमम ये दिखाएगा, यहाँ पे आपको करना है मिन। जैसे मैं यहीं पे कर देता हूँ तो ये नेगेटिव में वैल्यू दिखाएगा इसकी। ठीक है, अगर मैं क्या था वो यहाँ पे, अच्छा वैल्यू एंटर करना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे इंटीजर का ये दिखा रहा है, फ्लोट का ये दिखा रहा है, अब ये नेगेटिव में दिखा रहा है, देखो माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू दिखा रहा है और ये नेगेटिव की वैल्यू दिखा रहा है, ये फ्लोट की वैल्यू दिखा रहा है, इंटीजर की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा न्यूमेरिक का हुआ। अब मेरे को दिखाना है आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मैं यहाँ पे इसको कमेंट बना देता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। देखो, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में दो तरीके की पार्ट होते हैं इसमें, प्लस जी एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है। ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इसका टाइप देखूं, जैसे मैंने लिया टाइप ऑफ इसका ए का प्रिंट, मेरे को करना है ये प्रिंट। ठीक है, ये मैंने कर दिया, उसको मैं नंबर डाल के इसको दोबारा रन करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये बार बार ये इनपुट मांग रहा है एक्चुअली, तो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको दोबारा मैं रन करता हूँ तो ये देखो कॉम्प्लेक्स टाइप में इसको इसमें बता रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने पूछा था क्या इसका टाइप है। अब मेरे को ये भी इससे पूछना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, उसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ये आपने पढ़े होंगे 10th या 12th में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये सेम वही चीज़ है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये। अगर मैं ओनली इसमें ए प्रिंट करता हूँ तो तब क्या आएगा, तब ये पूरा ये जो पूरी ये जो वैल्यू है ना ये प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देख रहे हो पूरा ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसका इसमें जो रियल पार्ट है इसका वो देखना है, तो मैं यहाँ पे डॉट रियल टाइप करूँगा, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है तो इसमें दिखा देगा 3 इसका रियल पार्ट है ये वाला। इसी में मैं अगर इसमें इमेजिनरी देखता हूँ, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो मैं कर दूँगा आई मैग। ठीक है, और मैं दोबारा इसको रन किया, ये इसमें दिखा दिया कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 है और उसका रियल पार्ट क्या है 3 है ये वाला। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें, तो ये सारा मैंने कॉम्प्लेक्स आपको बता दिया है। एक बात और है इसमें, जैसे अगर हम
मैंने जैसे ही a इज इक्वल टू 3 4 ये ले लिया, अगर मेरे को इनको प्लस करना है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया 5 और यहाँ पे लिया 1 और ये क्या है b, अब मेरे को c में इनको प्लस करना है, c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब ये जो प्रिंट होगा ना, ये इन जो इसके नंबर्स हैं उनका सम प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, क्या प्रिंट करना है मेरे को, प्रिंट मैंने स्ट्रिंग में प्रिंट किया टोटल ऑफ कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे जाके str में क्या दिया c। तो अभी देखते हैं ये क्या प्रिंट होके आएगा, इनका टोटल प्रिंट होके आ जाएगा ये। तो अब देख रहे हो टोटल ऑफ कॉम्प्लेक्स 8 5 5 प्लस 3 8 और 4 1 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 जे प्रिंट, ये प्रिंट हो गया आ गया। ऐसे ही हम इनमें माइनस का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का मैं अगर यूज़ करता हूँ तो ये इसमें घट के आएगा, ये माइनस के 2 आ रहा है, ठीक है, और ये 3 आ रहा है क्योंकि 3 माइनस 5 करके माइनस के 2 आएगा और 4 माइनस 1 करके 3j ये आएगा, ठीक है गाइज। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा, हो रहा होगा। अब आपके लिए एक क्विज़ है, वो क्विज़ आप नीचे कमेंट करके बताओगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। मैंने क्विज़ दिया, x की वैल्यू ये दी, y की वैल्यू ये दी, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं ऑपरेटर यूज़ करके तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, वो नीचे आप कमेंट करके बताना है आपको। ऐसे ही दूसरी ये क्विज़ है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, इन दोनों को अगर प्रिंट करते हैं हम तो क्या वैल्यू आ रही है, वो भी नीचे कमेंट करके आपको बताना है। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वो भी नीचे कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। z की वैल्यू ये दी मैंने, t की वैल्यू ये दी, तो नीचे आप कमेंट करके बताओ इनकी क्या आउटपुट आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। सभी को आपको नीचे आउट कमेंट करके बताना है अलग अलग, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।